अस्सलाम वालेकुम एट क्लास सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 2.6 एक्सरसाइज जिसका चैप्टर वाइज लेक्चर नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आपने सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया 7। कोई भी नंबर हो उसके बाद आप पॉइंट लगा सकते हैं और उसके बाद चाहे बेशुमार जीरो लिख दें। हमने 3 डेसिमल प्लेस तक जाना है तो आप 60 लें। मैंने 60 यहाँ पर लिख दी है। अभी आप कैलकुलेटर में 7 पॉइंट ये सारा कुछ लिखेंगे, इक्वल दबाएंगे, 7 ही आएगा, तो लिहाजा से फ़र्क नहीं पड़ता। टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ले लें, वो आप प्रोसीजर में लेके आए इसको। अब यहाँ से पेयर बनाने, ये पहला पेयर, दूसरा और तीसरा, और ये एक। अब 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, माइनस करें 3, एक पेयर उतार लें। जैसे ही पेयर उतारेंगे यहाँ पॉइंट लगा दीजिएगा, क्योंकि पॉइंट वाला पेयर उतारा आपने। इन दोनों को ऐड करें, 4 4 के साथ 6 मिलाएं, 6 से मल्टीप्लाई करें 276, माइनस करें 24, एक पेयर उतारें। अब 46 में 6 ऐड करें, 52 52 के साथ 4 मिलाएं और 4 से मल्टीप्लाई करें 2096, माइनस करें तो 304 आएगा, एक पेयर और उतार लें। 524 में 4 ऐड करें, 528, साथ 5 मिलाएं और 5 से मल्टीप्लाई करें तो आप इसके नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे 26425। और जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3975। अब देखें, एक बात याद रखिएगा, इसका हाफ़ किया जाए अंदाजन तो ये उससे बड़ा नंबर आ रहा है, तो आपने हमेशा यहाँ पे 1 ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे हम रुक रहे हैं, स्टॉप हो रहे हैं, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस आ चुके हैं। तो हमने जब राउंड ऑफ करके लिखना है तो इस तरह से हमने सोचना है, जो एंड पे बचेगा अगर वो इसके हाफ से बड़ा है तो यहाँ पे 1 ऐड करें। वो देखिए, मैंने 2.646 लिख दिया मैंने आंसर। इसी तरह बच्चों एक और क्वेश्चन है 11, और 11 के बाद पॉइंट लगाएं, 60 ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट। 60 क्यों लिए, ताकि 3 पेयर बने, 3 डेसिमल प्लेस पूरे हो जाएं, स्क्वायर रूट में लिख लें और उसके बाद आप इसको डिवीजन फॉर्म में लेके आएँ। 11.0000, यहाँ पे 3 पेयर यहाँ बनेंगे, एक ये पेयर बना गया। 3 3 9, 2 माइनस होगा, एक पेयर उतारें, पॉइंट वाला तो ऊपर पॉइंट लगा दें। इन दोनों को ऐड करें 6, 6 का 3 मिलाएं और 3 से मल्टीप्लाई करें 189, माइनस करें 11, एक पेयर उतारें। 63 में 3 ऐड करेंगे तो 66, साथ 1 मिलाएं और 1 से मल्टीप्लाई करें तो 661, माइनस करेंगे 439, एक पेयर उतार लें 00 और इसमें 1 ऐड करेंगे तो 6662 आ जाएगा। इसके साथ 6 मिलाएं और 6 को मल्टीप्लाई करें 39756, माइनस करेंगे 4144, इसके हाफ से ही बड़ा है, फिर ऊपर 1 ऐड कर दें तो 03.317। एक और क्वेश्चन मैंने किया है इसका, 3 बार थे मैंने, 3 अब मैंने किए, 3 आप करेंगे। 15 पॉइंट लगाएं, कुछ 0 लिख दें, यानी कि 60 लिखने, ज़्यादा नहीं लिखने। टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट में लिख दें, स्क्वायर रूट में पेयरिंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, जब हम डिवीजन में लेके आएंगे इसको तब पेयरिंग बनाएंगे। डिवीजन में आ गए, पेयरिंग बना लें। 3 3 9, 6 में बचेगा, पॉइंट वाला पेयर उतर रहा है, ऊपर पॉइंट लगा दें, ऐड करें 6 8 मिलाएं, 8 से मल्टीप्लाई करें 544, माइनस करें 56, एक पेयर उतारें। 68 में 8 ऐड करेंगे 76, साथ 7 मिलाएं, 7 से मल्टीप्लाई करें 5369 आएगा, माइनस करेंगे 23100, 231 आएगा, एक पेयर हमने ये उतार लिया तो ये 00 भी हो गया। अच्छा, 767 में 7 ऐड करें, 774, साथ 2 मिलाएं, 2 से मल्टीप्लाई करें 15484, माइनस करेंगे 7616, इसके हाफ से ये बहुत बड़ा है तो लिहाजा यहाँ फिर 1 ऐड होगा इसके आंसर में, तो 3.873 आपका आंसर आ गया। ये इसकी पावर में लिखना है +1, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड दी स्क्वायर रूट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ये इजी है, 28.9। मुझे अगर 2 डेसिमल प्लेस है तो पॉइंट के बाद 2 4 डिजिट होने चाहिए, ये कितने हैं 1, आप 30 लगा लें ताकि वो 2 पेयर बन जाए। स्क्वायर रूट लें, डिवीजन फॉर्म में लेके आएँ, पेयरिंग करें, यहाँ से 2 पेयर बनेंगे और यहाँ से 1 पेयर, 5 5 25, माइनस करें 3,
एक पेयर उतारे पॉइंट वाला ऊपर पॉइंट लगा दें, ठीक है। फाइव में फाइव ऐड करें टेन, सात थ्री मिलाएं, थ्री से मल्टीप्लाई करें 309, माइनस करें 81, पेयर उतारें, ठीक है। 103 के साथ थ्री मिलाएं तो 106, सात सेवन मिलाएं और सेवन से मल्टीप्लाई करें तो 7469 आ जाएगा। माइनस करेंगे 631, इसके हाफ से ही ग्रेटर है, फिर यहाँ भी हम 1 ऐड करेंगे, ठीक है बच्चों। ये हमेशा आपने करना है ऐसा। जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव पार्ट 816.8081, एक डिजिट मिसिंग है यानी कि है ही नहीं, तो वहाँ पे हम जीरो लगा देते हैं। तो ये बन गया आपका, यानी कि पॉइंट के बाद चार डिजिट आ गए, टेकिंग स्क्वेयर रूट डायरेक्ट ही आप इसको कर लें बेशक, तो 816.0810। पॉइंट के बाद दो पेयर बन रहे हैं, यहाँ पॉइंट से पहले भी दो पेयर बन रहे हैं, टू टू द फोर माइनस करें फोर, ये उतारेंगे एक पेयर 16, टू में टू ऐड करें फोर, सात एट मिलाएं, एट से मल्टीप्लाई करें 384, माइनस करें 32, पॉइंट वाला पेयर उतारेंगे, ऊपर पॉइंट लगा दें, ठीक है बच्चों, ऊपर पॉइंट लगा दें जैसे ही आप पॉइंट वाला पेयर उतारेंगे, ये बनेगा 3208। 48 में आप 8 ऐड करें तो 56, साथ 5 मिलाएं, 5 से मल्टीप्लाई करें 2825, माइनस करें 2383, ये पेयर उतार रहे हैं आखिरी, ठीक है। 565 में 5 ऐड करें तो 570, साथ 6 मिलाएं, 6 से मल्टीप्लाई करें 34236, माइनस करेंगे ये आएगा, इसके हाफ से ये बढ़ा है, फिर यहाँ भी 1 ऐड होगा, आंसर लिख दें आप। एक और क्वेश्चन मैंने किया है और ये सबसे इंटरेस्टिंग सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है 36.008, पॉइंट के बाद तीन डिजिट है, हमने चार करने हैं ताकि दो पेयर बन जाए, चार एक और जीरो लगा दें, टेकिंग स्क्वेयर रूट लिख दें। अब जब इसको करने की बारी आएगी फौरन सवाल ख़त्म हो जाएगा, पॉइंट के बाद दो पेयर, पॉइंट से पहले एक पेयर, सिक्स सिक्स 36, पॉइंट वाला पेयर उतार दें, ऊपर पॉइंट लगा दें, इन दोनों को ऐड करें 12। अब देखो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कर बताता हूँ, अब 12 के टेबल में 0 0 तो नहीं आता, अगला पेयर उतारने के लिए इधर भी एक 0 इधर भी एक 0 लगाना पड़ेगा, ये भी पेयर उतर गया, ठीक है। अब जाहिर बात है 120 को मैं 0 से करूँगा तो 4 0 आ जाएगा, माइनस करूँगा 80, तो पॉइंट के बाद दो डिजिट भी पूरे हो गए और ये क्वेश्चन भी हमारा 0.2 डेसिमल प्लेस तक हो गया, तो इसका आंसर यही रहेगा 6.00, इससे आगे ही जा ही नहीं सकता, वो हमें तीसरे डेसिमल प्लेस से जाना पड़ेगा। फोर पार्ट 63.34, पॉइंट के बाद दो डिजिट हैं, चार डिजिट करें, दो जीरो लगा के टेकिंग स्क्वेयर और स्क्वेयर लें, प्रोसीजर में लेके आएँ, पॉइंट के बाद दो पेयर, पॉइंट से पहले एक पेयर, 749 माइनस करेंगे 14, एक पेयर उतारें, पॉइंट वाला ऊपर पॉइंट लगा दें, इन दोनों को ऐड करें 14 के साथ 9 मिलाएं और 9 से मल्टीप्लाई करें 1341, माइनस करेंगे 93, पॉइंट ये पेयर उतार लें एक, 149 में 9 ऐड करें 158, साथ 5 मिलाएं, 5 से मल्टीप्लाई करें 7925, माइनस करेंगे 1378, इसके हाफ से बड़ा है, तो यहाँ पे आप पावर में इसकी आंसर में 1 ऐड कर दें, वो मैंने ऑलरेडी करके लिख दिया है। तो ये था बच्चों आपका 8.2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, मैंने दोनों करवा दिए, यानी कंप्लीट एक्सरसाइज आपकी होगी है, तो इंशाल्लाह इसके आप नोट्स ज़रूर बनाएं और जो पार्ट रह गए हैं वो ज़रूर करने की कोशिश करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।